राधे कृष्ण हरि नृसिंह बाबू। हम शिव भक्त हैं, उसी की उपासना करते हैं और उसी का जाप करते हैं। तब तो मैंने धृष्टता की, उस धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लीजिए, मैं भोले बाबा का जयकार किए देता हूँ। जय हो भोले बाबा की। ठीक है ठीक है। कहिए मुझसे बाबू, आप कल से मुझे याद कर रहे हैं? बेचारा मुरली हमारी वजह से परेशान था। मुरली ही नहीं, सारा गांव तुम्हारे वजह से परेशान है। भला वो कैसे? दिन रात तुम बिना सुरताल के जो आलाप छेड़ते फिरते हो वो तो ठीक था, अब ये सुबह सुबह कैसी धिंगा मस्ती लगा रखी है। मुंशी बाबू, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा अवकाश आप भी प्रभु प्रेम में मिलाइए तो प्रेम रस खूब गाढ़ा हो जाएगा। तुम ये अपने दखियानुसी बातें बंद करो, ये तुम्हारे भाई का मामला नहीं है जो दिन रात चिल्लाते रहते हो। मुंशी बाबू, इसे चिल्लाना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सोए हुए इंसान को जगाना। जगाकर सवेरे सवेरे उन्हें राम रस पिलाता हूँ। मुंशी बाबू, लोगों को राम रस पिलाता हूँ। तुम्हारे उल्टे सीधे पदों से राम रस कैसे मिलता है? किस पद की बात कर रहे हैं मुंशी बाबू? भला कोई पद बताओ तो सही। हाँ, एक जगह तुमने दसवीं भक्ति की बात गागा कर कही है। तो इसमें कौन सा पाप कर दिया मुंशी बाबू? शास्त्रों में नौ भक्ति के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये दसवीं भक्ति का भाव कौन सा है? दसवीं भक्ति मैंने लाया। तुम्हारे कहने का मतलब? मैंने दसवीं भक्ति को प्रेमा भक्ति का रूप दिया है। जब मानव ईश्वर के प्रेम में ओतप्रोत होता है तब उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है और प्रभु को अपना प्रेमी समझ बैठता है और प्रेमिका बनकर उसकी आराधना करता है। मुंशी बाबू, प्रभु की आराधना करता है। तभी तुम ये कड़े पहनकर प्रभु की प्रेमिका बनकर बहुरूपियों की तरह लीला रचाकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। मुंशी बाबू, आप किस बात को लेकर के मुझसे झगड़ना चाहते हैं? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ। गुमराह शब्द बोलने में बहुत सरल है पर उसका भावार्थ बड़ा ही कठिन है। तुम्हारे कहने का मतलब? मुंशी बाबू, जीवन के एक पहलू से आप परिचित हैं, दूसरे पहलू से कदापि नहीं। अच्छा, तो दूसरा पहलू क्या है, अब ये आप बता दीजिए। मुंशी बाबू, लौकिक ज्ञान को पाकर आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने वाले यथार्थ में आपको कुछ भी नहीं मिला। जैसे घड़ा पानी से भरा हुआ हो और उसे जलाशय में डुबो कर पानी भरना चाहते हो तो उस घड़े में पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी, बल्कि उस घड़े का पानी जलाशय के पानी में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह पारलौकिक ज्ञान की थोथी बातों को जड़ से उखाड़ फेंको तो आपको जीवन का दूसरा पहलू दिखाई देगा। मुंशी बाबू, राधे कृष्ण। उसी की उपासना करते हैं और उसी का जाप करते हैं। तुम ये अपने दखियानुसी बातें बंद करो, ये तुम्हारे भाई का मौला नहीं है जो दिन रात चिल्लाते रहते हो। तुम बिना सुरताल के जो आलाप छेड़ते फिरते हो वो तो ठीक था, अब ये सुबह सुबह कैसी धिंगा मस्ती लगा रखी है। नहीं, सारा गांव तुम्हारे वजह से परेशान है।
जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उसी दिन से उनका भार हल्का हो जाता है। माँ, क्या बेटी माँ बाप के लिए भार होती है? नहीं बेटा, बोझ का मतलब भार नहीं, बोझ का मतलब है शादी ब्याह की जिम्मेदारी से माँ बाप का मुक्त हो जाना। जब लड़की की शादी होती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब मैं किसी की धर्मपत्नी हूँ और अब मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही अधिकार है। उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी, यही नारी का सुखमय जीवन है। और हाँ बेटी, जो नारी इस सीमा रेखा को तोड़ती है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती, वो भटक जाती है। बाबू ने आपको किस लिए बुलाया था पिताजी? उनके हेतु का कोई स्पष्ट कारण का पता नहीं चला। वो मुझ पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। प्रतिबंध? कैसा प्रतिबंध पिताजी? उन सब का विचार ये था कि मैं भजन गाना और लिखना बंद कर दूं। तो आपने क्या कहा पिताजी? बेटा, तुम्हें इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तुम हमारे नए पदों को साफ साफ नए पन्ने पर उतारे कि नहीं? हाँ पिताजी, कुछ तो लिख दिया, कुछ तो लिखना भी बाकी है। बेटा, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, सुख दुख मानव के जीवन में क्यों आता है? बेटी, तुम्हारे पिता का कहना है कि मानव के हृदय की जो वृत्ति बनती है वही बाहर दिखाई देती है, और ये चंचल मन ही सुख दुख इन सब का कारण है। वाह मेहती वाह, आज मुझे लगा कि तुम ज्ञान को बचाने में समर्थ हो चुकी हो। नाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी। हर माँ का ये कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों को ज्ञान दे, सो मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। कन्हैया तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे मेहती। चलिए, खाने का वक्त हो गया है, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। भूख लग गया? हाँ, मैंने शामड़ा को भेज दिया है थाल लेकर, वो लगाता ही होगा। बेटी कुंवर, पिताजी के लिए जल लेकर आओ। जी माँ। शंकर जी ने आपको अपने घर किस हेतु से बुलाया था? कभी कभी मानो अपने पद और प्रतिष्ठा के मद में चूर होकर अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता, और जब अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता तो वो उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। तो कहीं शिवशंकर जी ने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? नहीं मेहती, नहीं। यदि वो उल्टी सीधी हरकत करते तो अभी मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर घर बुलाने का उद्देश्य? मेहती, दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं। एक कहावत है, दुनिया ऐसी दो रंगी पल में बदली जाए, मिलिए जुलिए सबसे नदी नाव संयोग। नाथ, बातों में उलझाना भी कोई आपसे सीखे। यही तो तुम्हें सिखा रहा हूँ मेहती, कि गुलाब का फूल गुलाब ही कहलाएगा, उसे चाहे जहां ले जाओ वो कहलाएगा गुलाब ही। शिवशंकर बाबू मेरी रचना पसंद नहीं करते और मेरे गाय पद उन्हें अच्छे नहीं लगते। लोगों को इकट्ठा करके भगवान का भक्त बनाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। तब तो वो ठहरे मुंसिफ, कहीं हमारे लिए कोई बाधा ना खड़ी करते ना। मेहती, मेरा कन्हैया हम लोगों के साथ है तो शिवशंकर बाबू की बाधा हम लोगों के लिए प्रगति ही होगी। मेहती, सच मेहती।
प्रगति ही होगी। आप भोजन कीजिए। दादा मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, मैं नरसी भगत की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है वही बतला रहा हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना नरसी के घर जाने के लिए, और मेरे मना करने के बावजूद किसके कहने से तू उसे बुलाने गया? सब मैं तो रामायुग से लेकर कृष्णायुग तक ये आंदोलन इसी तरह उथल पुथल होता आया है। राम को सारी दुनिया ब्रह्म के रूप में देखती है, और एक साधारण से धोबी के कहने पर सीता को बनवास दे दिया। अभी अभी आपने देखा होगा, रत्ना मामी ने नरसी को अपनी बाहों में भरकर पानी पिलाया है। अरे चुप कर मूर्ख श्रोमणी,